एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। अरविंद केजरीवाल के बयान का समर्थन आम आदमी पार्टी ने किया है और वो समर्थन ये कि मीडिया पर सवाल उठाना गलत नहीं है। और इस सिलसिले में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम आपको सीधे लिए चलते हैं। बाकी बहुत सारे पत्रकार भी उनका भी तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैं जो जवाब दूंगा उसे आप संतुष्ट होंगे। मैं गारंटी आपको नहीं देता हूँ, मैं अपने आप से लेता हूँ। आप जो सवाल पूछ रही उसका मैं सही से जवाब दूँ, पूरी तरीके से आपके साथ जवाब दूँ, ये भी जरूरी नहीं। मैं जो कहना चाहता हूँ वो बहुत बात स्पष्ट है। प्रमोटर्स के ऊपर भयानक तौर पे, एडिटर्स के ऊपर और रिपोर्टर्स के भयानक तौर पे दबाव है। प्रमोटर्स और एडिटर्स के बीच में ये डिफरेंस करना पड़ेगा। अगर हम ये डिफरेंस नहीं करेंगे तो भारत का लोकतंत्र भरभरा के बैठ गया। ये एक सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करिए। और मैं खुद पत्रकार रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि कितने तरीके के प्रेशर्स आते हैं प्रमोटर्स की तरफ से, और पिछले दिनों किस तरीके से ये दबाव भयानक तौर पर बढ़ा है कि सिर्फ और जो एडिटर इन चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है उनके लिए कितनी मुश्किल का काम होता जा रहा है। आपने दूसरा सवाल पूछा कि जब मैं एडिटर था, आप सरोज जी एडिटर का काम होता है एडिट करना, कंटेंट को देखना। बाकी जो एडवर्टीजमेंट होता है, प्रमोशनल चीजें होती हैं, वो मैनेजमेंट की तरफ से होता है। जो आशीष खेतान जी कह रहे थे, उनके कहने का मतलब ये था कि भाई आप किनसे विज्ञापन ले रहे हैं, किन राजनीतिक दलों से विज्ञापन ले रहे हैं, इस पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और जो मीडिया हाउस है उन मीडिया हाउस को उसको अपने वेबसाइट पर डालना चाहिए। अगर वो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अगर विज्ञापन है या अगर आशुतोष ने कोई विज्ञापन दिया है तो वो भी डालिए, उसमें कोई बुराई नहीं। हम तो सवाल ही खड़ा करें, ट्रांसपेरेंसी का सवाल खड़ा करें। और आपने फिर एक सवाल कहा कि हाँ हमारी जब मर्जी होती तब हम गेस्ट देते हैं, हमारी जब मर्जी सरोज जी भी फिर नाराज हो जाएंगे। आप तो आपने कहा जब गेस्ट देते हैं, जब नहीं किया था जैसे आपने एक वीडियो जब वायरल हुआ उसपे आपने कमेंट दिया, मैं बता नहीं सकता। मैंने कमेंट दिया, मैंने खुद बोला है सरोज जी, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उस वीडियो वायरल होने पे मैंने खुद बोला। आपने कहा कि भाई गेस्ट बुलाने, गेस्ट ये हमारा प्रेरोगेटिव है, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हमारे पास बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, हमारे बहुत सारे साथी चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव से संबंधित कार्य में जुटे हुए हैं। नहीं, एजेंडा आप चलाओगे तो फिर उसमें कैसे करेंगे काम? और कल तक जब आप एडिटर थे तब तो मैनेजमेंट डिसाइड करती थी एड कब ले, आज हमारे एडिटर डिसाइड करेंगे एड कर लेते हैं। अभी आपने कहा अब कांग्रेस के एमएलए के चैनल में हमारे फेवर में खबर क्यों चलाई जाएगी विनोद शर्मा के चैनल में?